ओम नमः शिवाय। मेरे शिव चैनल पर आप सबका स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी शिव भक्तों के चरणों में मेरा प्रणाम। बात करते हैं नवरात्र के बारे में, नव दुर्गा पूजन के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे हमें क्या क्या विशेष चीजें इस देवी पूजन में ऐड करनी है, जिससे अधिक से अधिक मात्रा में हमें देवी या यूं कहिए शिव के ही देवी माता स्वरूप की हमें कृपा प्राप्त हो। अब पिछले भाग में हमने जाना कि क्यों नवरात्र इम्पोर्टेंट होते हैं, क्यों नवरात्र करने चाहिए। और नवरात्र जैसा कि आप जानते हैं 22 मार्च से प्रारंभ हो रहे हैं और जो घट स्थापना का मुहूर्त है वो 6:29 से लेकर के 7:39 तक का समय होने वाला है। इसमें आपको घट स्थापना करनी है और उससे भी पहले आपको द्वार पर 11 या 21 पत्तों के आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्तों पर तिलक करके एक माला बांध देनी है। देखिए, सब पवित्रता के सूचक है, जिससे देवी के आगमन की संभावना बढ़ जाती है और देवी की जो शक्तियां होती हैं वो आपके उस पूजन पर उपस्थित होती है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा पवित्रता का ध्यान रखा जाता है। किंतु इन सब चीजों के बारे में बात करें उससे पहले, तमिल शिव भक्त जो 63 नयनार में से एक है तिरुमूलर, उनके द्वारा रचित एक तमिल तंत्र शास्त्र, उसमें तिरुमूलर जी ने बहुत दिव्य बातें देवी के बारे में कही। स्वामी का ही स्वरूप माता स्वरूप देवी है। देखिए, तिरुमूलर जी लिखते हैं कि इच्छा रूपिणी माँ दर्शन देती है भक्तों को वांछित रूप में और उन्हें दिखाती है शुद्ध मार्ग, प्रदान करती है सकल विज्ञान कलाएं। तुम चाहो तो हरिण सम सुनैना देवी प्रकट होगी मनमत तुल्य सुंदरेश्वर के संग। यदि आपकी भक्ति प्रबल है तो देवी भगवान सुंदरेश्वर अर्थात भगवान शिव के साथ प्रकट होकर दर्शन भी देती हैं। और जिन शिव भक्तों ने फ्री गिव अवे अब जो महाशिवरात्रि पर हुआ था तो उन्हें एक चित्र प्राप्त हुआ था, जो विवाह का चित्र था, वो चित्र मीनाक्षी देवी और उस भगवान सुंदरेश्वर, ये शिव का नाम यहाँ पर सुंदरेश्वर है और देवी का नाम मीनाक्षी है। ये मदुरई में जो विवाह संपन्न हुआ था भगवान का और माता का, उसकी वो पिक्चर थी और यही वो सुंदरेश्वर स्वरूप इस सेंटेंस में वर्णित हुआ है तिरुमूलर जी ने जो लिखा है। इसके साथ ही तिरुमूलर जी लिखते हैं, स्त्रु भय नहीं होगा उन्हें जो प्रणत होते हैं मात्र चरण में, कहीं अनादर या उपहास न होगा, रिद्धि सिद्धि समृद्धि छुएंगी चरण, कर्म बंधन कर्म फल से मिलेंगी मुक्ति, विघ्न बाधा संकटों से रहेंगे मुक्त, जीवन में नित्य ही मिलेंगे शुभ फल। ये सब संभव होते हैं शिव के ही माता स्वरूप अर्थात देवी उपासना के द्वारा, इसलिए देवी का जो पूजन है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और हम ऐसा नहीं कि हमने पहले किया नहीं है, आप लिंगम के पीठ भाग पर जब जो भी पूजन करते हैं वो देवी को ही समर्पित होता है, किंतु ये जो नौ दिन हमें विशेष प्राप्त हो रहे हैं नवरात्र के, इसमें हमें कुछ विशेष चीजें ऐड करनी है। वो चीजें मैं अभी आपको इस वीडियो में बताऊंगा जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट और शास्त्रों में वर्णित है, उनका बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है और साथ ही बहुत अधिक मात्रा में फल भी आपको प्राप्त होता है। तिरुमूलर जी लिखते हैं, जो माँ की शरण में है उसके लिए कोई अभाव नहीं है, जो माँ की शरण में है उसके लिए किसी से मांगना नहीं है, जो माँ की शरण में है उसके लिए देवता ही तुल्य हैं, जो माँ की शरण में है उसके लिए प्रभु यानी स्वामी भगवान शिव वो परमेश्वर स्वरूप स्वयं ही सुलभ हो जाता है। ये बात तिरुमूलर जी लिखते हैं। अब देखिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज इन्होंने यहाँ पर मेंशन की है, होता है आवाहन माँ का नव सुगंध लेपन से। ये जो नव सुगंध लेपन है इससे माता का आवाहन होता है, देवी वहां पर प्रकट वहां उपस्थित होती है, देवी की शक्तियां वहां पर उपस्थित होती है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज है आवाहन के समय अर्थात आप जब आप पूजन करें, आप नवरात्र करें, तो उस स्थान पर आपके पूजा स्थल पर देवी उपस्थित रहे और आपको आशीर्वाद प्रदान करें, तो इसके लिए इम्पोर्टेंट है नव सुगंध। नव सुगंध में है, देखिए, जो आप चौकी लगाएंगे उस चौकी के स्थान को पहले तो बिल्कुल अच्छी तरह से पोछा वगैरह लगा करके बिल्कुल शुद्ध कर लेना है, कुछ भी कोई कचरा या कुछ धूल का कण भी वहां पर उपस्थित ना हो। उस स्थान को ऐसा बनाइए जैसे माँ यहाँ पर स्वयं आकर बैठेंगी। उसके बाद वहां पर आप गंगा जल छिड़किए, गंगा जल से पूरा अच्छी तरह से कपड़े से साफ करिए। उसके बाद आपको वहां पर थोड़ा चंदन का भी लेपन करना है, जो चंदन जो लकड़ी का चंदन होता है घिस करके निकाला जाता है,
उसमें केसर मिला करके आप घिसे और उस चंदन को लेकर के उस स्थान पर थोड़ा सा लेपन करना है चंदन का। उसके बाद वहां पर थोड़े गुलाब जल के छींटे भी देने हैं, बिल्कुल सुगंधित वो चीज वहां पर पूरा वो स्थान होना चाहिए। फिर उसके ऊपर आप चौकी स्थापित करिए। अब चौकी के ऊपर जो लाल कपड़ा बिछता है, देखिए मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, आप बहुत लंबे समय से आपके घर में दुर्गा पूजन होता आ रहा है तो उन चीजों में ज्यादा हेर फेर करनी नहीं है, जो आप करते हैं वैसा करिए। कुछ चीजें जो मैं यहाँ पर इस वीडियो में बता रहा हूँ वो चीजें आपको एक्स्ट्रा ऐड कर लेनी है उसी पूजन में, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो जो चीजें ऐड करनी है वो सुगंधित चीजें आपको ऐड करनी है। मान लीजिए अब लाल कपड़ा आपने बिछा दिया है, लाल कपड़ा बिछाने के बाद जहां देवी का चित्र या प्रतिमा आप स्थाप रखेंगे उस चौकी के ऊपर देवी पूजन के लिए, उसके जस्ट आगे मान लीजिए यहाँ आपने रखा है तो, और यहाँ बैठने वाले हैं तो यहाँ देवी के चित्र के जस्ट आगे एक दो उंगल जो जगह है वो छोड़ करके आपको एक कोण बनाना है। देखिए यहाँ आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इस प्रकार का कोण आपको चंदन से या कुमकुम से उस लाल वस्त्र के ऊपर बना देना है, अंकित कर देना है। ये 9 के 9 दिन ये जो कोण आप बनाएंगे ये वही रहने वाला है। इसमें देखिए त्रिकोण होता है, वैसे तो बहुत ज्यादा डीप की ये चीजें हैं, फिर भी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। जो कोण होता है मान लीजिए जो डाउन की तरफ एरो का जो कोण रहता है जिसको अधो बोलते हैं, ये अधो जो इंगित होता है ये वाला कोण देवी का प्रतीक होता है, और जो ऊपर की ओर कोण बना होता है ये शिव का होता है। इसलिए हमें शिव शक्त्यात्मक ये कोण यहाँ आप अपनी चौकी पर बना देना है, या तो चंदन से केसर मिला करके चंदन घिस लीजिए फिर उससे बना दीजिए, या फिर आप कुमकुम से इस कुमकुम को गीला करके ये कोण आप वहां पर बना दीजिए, ये बन गया। इस पर फिर आपको जो भी गंध है मान लीजिए गुलाब जल है या कुमकुम है चंदन है, थोड़ा थोड़ा आपको गंध इस पर अर्पित कर देने, ये बिल्कुल आपके यंत्र की तरह काम करने वाला है, ये शिव शक्त्यात्मक यंत्र। इसकी डेली पूजा आपको करनी है, वही जो धूप दीप वगैरह आप करते हैं और जो पुष्प वगैरह अर्पित करने हैं अक्षत वगैरह ये डेली रूटीन में अर्पित। अब जो नव गंध यहाँ पर तिरुमूलर जी ने मेंशन की है वो है चंदन, केसर, कस्तूरी, सुगंधित मिश्रित लेप, मार्जार गंध, घी, कपूर और गोरोचन का लेप और सुगंधित जल का छिड़काव। ये सब चीजें जो आपको इसमें बर्डन नहीं है कि आप नव ही आपको कंपलसरी है, नहीं तो बिल्कुल नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। जितनी चीजें आपको उपलब्ध हो जाए वो चीजें आप उस जो यंत्र आपने बनाया है उसके ऊपर आपको अर्पित करनी है, वो डेली ही करनी है। पुष्प भी अर्पित करना है, गुलाब का, चावल, और ये सब जो भी चीजें हैं कर्पूर के जो भीमसेनी कर्पूर होता है उसको बिल्कुल बारीक आप एक छोटी सी आप टुकड़ी ले लीजिए, उसको हाथ से ऐसे मसलेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा पाउडर के जैसे, वो भी आपको उस चक्र पर अंकित कर देना है, वहां पर अर्पित कर देना है। साथ ही पुष्प वगैरह जो नॉर्मल चीजें हम अर्पित करते हैं वो सब होंगी। दीपक वगैरह जो आप लगाते हैं वो यूजुअली जैसा आप फॉलो करते आ रहे हैं वैसा आप कर लीजिए। बस यही है कि डेली रूटीन की जो आपकी पूजा होगी उसमें ये जो चक्र आप अंकित करेंगे अपने हाथ से इसका पूजन आपको डेली ही करना है। जैसे माता को पहले आप माला अर्पित करेंगे, आप पुष्प अर्पित करेंगे चरणों में, उसके बाद आप फिर इस चक्र का भी पूजन कर दिए, थोड़ा सा ही जैसा आपसे संभव हो पाए वैसा ही। किसी प्रकार का कोई बर्डन नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई विधि में नहीं आपको पढ़ना है, बिल्कुल इजीली तरीके से बिल्कुल कंफर्टेबल हो करके उस चक्र का आपको पूजन करना है। क्योंकि मैं आपको बहुत विस्तृत और डिटेल से ये चीजें नहीं बता रहा हूँ, बहुत ज्यादा गहन चीजें हैं। इस चीज से, इस चक्र पूजन से आपको जो शिव शक्तात्मक ये चक्र रहेगा इससे आपको बहुत ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा, और आप सोच भी नहीं सकते उससे ज्यादा कृपा आपको देवी की प्राप्त होने वाली है। तो इस जितने भी गंध आप संभव कर सके उतने गंधों के द्वारा आप इस चक्र का पूजन करें। अब बात कर लेते हैं पूजन किस प्रकार से करना है। देखिए जो पूजन आप करेंगे उसमें सबसे पहले गणपति स्तोत्र का पाठ आपको अवश्य ही करना है, क्योंकि वो विघ्नहर्ता है। गणपति स्तोत्र के बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद आपको भगवान शिव के जो भी स्तोत्र वगैरह याद रहते हैं या फिर आप जो भी इजिली आपके पास उपलब्ध हो जाए उसका पाठ करिए, और ये सबसे पहले गणपति स्तोत्र आपको अवश्य ही करना है।
उसके बाद आप शिव का कोई भी स्तोत्र कर सकते हैं, और माता का जो स्तोत्र कुछ भी आप पाठ आप करने जा रहे हैं तो उससे पहले आपको एक भैरव स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, या भैरव नामावली का करना चाहिए, जो 108 नाम भैरव जी के होते हैं, या फिर केवल प्रणाम ही भैरव जी को आपको अवश्य ही कर लेना है। भैरव जी के बारे में भी त्रिमूलर जी ने लिखा है कि जो सहस्त्रार्चन करता है भैरव जी का, उसके स्त्रों का संहार भैरव स्वयं कर देते हैं। तो वो तो बहुत लंबी प्रोसेस है, तो ऐसे आप सहस्त्रार्चन में जाएंगे तो बहुत ज्यादा समय आपको लग जाएगा। तो एक स्तोत्र में आपको भैरव जो तांडव स्तोत्र है, जो बटुक भैरव तांडव स्तोत्र है, या भैरवाष्टकम है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप डाउनलोड कर लीजिए। उसका पाठ आप देवी पूजन से पहले कर सकते हैं, इससे आपको देवी की कृपा भी प्राप्त होगी और भैरव जी की कृपा भी प्राप्त होगी। भैरव पूजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है देवी पूजन में। उसके बाद फिर आप देवी का कोई भी पाठ या स्तोत्र कर सकते। तो एक प्रोसेस अगर हम फॉलो करें तो देखिए, सबसे पहले गणपति जी हो गए, फिर शिव का कोई स्तोत्र कर लीजिए, फिर भैरव का एक स्तोत्र करिए, उसके बाद आप देवी पूजन कर सकते हैं। और जो यंत्र के बारे में मैंने आपको बताया, जो आप अपने हाथ से अंकित करने वाले हैं, उसका भी पूजन आप इजिली कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं देवी जी को, माता आदि शक्ति को क्या प्रिय है। इतने सारे वीडियो में हमने डिस्कस क्या है कि शिव को ये पुष्प अर्पित करने से ये फल प्राप्त होता है, या ये फल अर्पित करने से आपको क्या पुण्य प्राप्त होगा, क्या क्या अर्पित करना चाहिए, तो देवी के बारे में ऐसा क्या है। एक ही कॉमन चीज है जो शिव पूजा में भी इंपॉर्टेंट है, वो है बिल्वम, यानी बिल्व पत्र। और शायद मैंने पहले भी आपको एक किसी वीडियो में बताया था कि जब भी आप शिव पूजन करने जाए शिवालय में, तो वहां देवी की जो प्रतिमा होती है वो, उनको आपको बिल्वम के ऊपर तिलक करके देवी को अर्पित करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से। देखिए, जो देवी भागवत पुराण है उसमें व्यास जी स्वयं बताते हैं कि जो कोई भी देवी का पूजन बिल्वम से करता है, बिल्व पत्र से करता है, तो वो राजा बनता है, उसके लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है। बिल पत्र की इतनी ज्यादा महिमा है। अब बिल पत्र अर्पित कैसे करना है वो भी जान लेते हैं। बिल्व अर्पित करने का एक सीधा सिंपल तरीका तो यह है कि आप चंदन और केसर को मिला करके घिस लीजिए, जो पेस्ट बने उससे आप 3 दल वाले बिल्व पर तिलक करिए, उसके ऊपर थोड़ा कुमकुम का भी तिलक करिए, और फिर थोड़े से चावल तीनों पत्तों पर रख करके आप देवी के चरणों में अर्पित करें। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत प्रभावशाली तरीका है, और एक और बहुत प्रभावशाली तरीका ये है कि आप जो चंदन और केसर का जो पेस्ट बनाएंगे घिस करके, उस पेस्ट के द्वारा आप कोई छोटी स्टिक वगैरह या फिर कुछ भी ले लीजिए, रुई लपेट करके उस पेस्ट में आप डुबोइए, और फिर जो बिल्व के 3 दल होते हैं उसके तीनों दलों के ऊपर ह्रीम एकाक्षरी आपको लिखना है। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एकाक्षरी जो मंत्र है ह्रीम, ये आप तीनों पत्तों पर रख करके और फिर देवी को अर्पित करिए। ऐसा जो कोई भी मनुष्य करता है उसके परिवार पर, उस पर हमेशा देवी की कृपा बनी रहती है। बिल्व का बहुत ज्यादा महत्व है शिव पूजा में भी और देवी पूजा में भी। एक चीज तो ये हो गई, आप ऐसे बिल्व अर्पित कर सकते हैं, आप 9 बिल्व भी अर्पित कर सकते हैं, और 11 21 जितने भी आप चाहें उतने कर सकते हैं, एक भी कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप एक बिल्व पत्र उस यंत्र पर भी अर्पित करें जो आप बनाने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरा एक तरीका है बिल्व का। बिल्व जो रहता है 3 दल का, उसमें आपको एक थोड़ा बड़ा पत्ता ले लीजिएगा संभव हो तो, और छोटा हो तो फिर थोड़ी मात्रा में ही करेंगे। एक बिल पत्र ले लीजिए, जो 3 उसके पत्ते हैं उस पर एक पर आपको कुमकुम अर्पित करना है, एक पर हल्दी अर्पित करनी है, और एक पर चावल रख देने हैं थोड़े से, और ऐसा का ऐसा उठा करके देवी के चरणों में अर्पित कर देना है, और फिर आप अपनी पूजा प्रारंभ कर सकते हैं। ये जो चीजें हैं, ये जो आप कुमकुम हल्दी और जो अक्षत रखेंगे, ये आप देवी के चरणों में अर्पित करिए, और पूजा के बाद फिर आप इसे, ये निर्माल्य जब हो जाए तो इसे ले लीजिए, और फिर आप वो कुमकुम हल्दी अपने मस्तक पर तिलक स्वरूप में भी पूरे परिवार को भी दे सकते हैं, और स्वयं भी उसे प्रयोग कर सकते हैं। और जो चावल रहेंगे वो 9 दिन के बाद आप थोड़े, बिल्कुल थोड़े थोड़े अर्पित करिए, और जब वो 9 दिन के इकट्ठे हो जाए तो आप अपने उस जो चावल है वो अक्षत है वो अपने जहां पर आप धन रखते हैं या पैसा रखते हैं वहां पर भी रख सकते हैं।
अब बात करते हैं नैवेद्य के बारे में। नैवेद्य जो देवी को आप अर्पित करने वाले हैं, वो जब आप देवी के समक्ष रखें तो एक छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है, पर्वत की आकृति में आपको रखना है। मान लीजिए आपने हलवा बनाया है, तो हलवा बिल्कुल आप ऐसे फ्लैट कर करके किसी पात्र में, किसी कटोरी में देवी के सामने अर्पित ना करें। उसको थोड़ा सा उभयकार, जैसे पहाड़ होता है, पर्वत होता है, उस आकृति का बना करके फिर देवी के समक्ष रखना चाहिए। बात है देवी भागवत पुराण में ये चीज मेंशन है, जो इस प्रकार से अर्पित करता है वो देवी की कृपा का पात्र होता है। तो कुछ छोटी छोटी चीजें होते हैं। देखिए, काम हम सब वही करते हैं देवी के लिए, मैं कुछ आपको अलग से तो बता नहीं रहा, आप हमेशा से ये चीजें करते आ रहे होंगे, किंतु बस थोड़ा सा बदलाव आप कर लेते हैं तो बहुत सारी चीजें बदल जाती है और देवी की कृपा आपको अधिक प्राप्त होती है। हमारी जो कुल देवी है आपकी, उनकी कृपा आपको बहुत ज्यादा प्राप्त होगी। दो चीजें और हमें ऐड करनी है इस पूजन में, देवी पूजन में। देखिए, कुछ धागे जो आप मान लीजिए हाथ में पहनते हैं, ऐसे धागे आप मार्केट से खरीद कर ले आइए, 5-10 या फिर 4-5, जितने भी आपको सूटेबल लगे, जितने आपकी फैमिली में मेंबर हो, और पहले दिन ही देवी के चित्र के पास में उनको रख दीजिए। साथ ही एक ध्वज भी आपको अपने घर के लिए खरीद लेना है, चाहे वो देवी का हो या फिर शिव का हो, जो भी आप ध्वज लेकर आए वो भी वहां उस पूजन में रख लीजिए, और पूरे 9 के 9 दिन वो धागे और वो ध्वज वहां पर रखा रहे। जितनी पॉजिटिव वाइब्स वहां पर, जितनी पॉजिटिव एनर्जी वहां पर होगी, वो सब के सब प्रभावित करेंगे उन वस्तुओं को भी, और कहीं ना कहीं वो चीजें स्टोर भी होंगी, पवित्र होंगी उन सब चीजों में। और 9 दिन के बाद जब आपका ये नवरात्र पूर्ण हो जाए, उसके बाद वो धागे आप अपने परिवार वालों को बांध सकते हैं, वो रक्षा सूत्र का कार्य करेंगे। जितने भी आपने पाठ करे हैं, स्तोत्र करे हैं, मंत्र जप किया है, देवी पूजन किया है, वो सारी पॉजिटिव एनर्जी वहां पर व्याप्त रहेगी, और हर अवस्था में, हर परिस्थिति में आपके और आपके परिवार की रक्षा वो चीजें करेंगी। आपको कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं कि हम वहां से बंधवा कर लेकर आ गए, ये चीज आप स्वयं घर पर ही कर सकते हैं। अब आप इतना 9 दिन का तप आप अपना दे रहे हैं, उपवास करेंगे, इतने स्तोत्र पाठ करेंगे, तो क्यों ना स्वयं ही उस पॉजिटिव को, उस सकारात्मकता को इकट्ठा करें। तो ये छोटी चीजें होती हैं जो आप स्वयं अपने घर पर कर सकते हैं, और बहुत ज्यादा लाभ आपको प्राप्त होता है। अब जो ध्वज है, उसे आप नवरात्र के बाद अपने घर पर ऊपर लगा सकते हैं, उसका थोड़ा धूप दीप से पूजन करके लास्ट में जब नवरात्र पूर्ण हो जाए फिर आप उसे लगा सकते हैं, तो वो भी आपके पूरे घर की रक्षा करेगा, सकारात्मकता आपके घर के ऊपर लहराएगी, देवी की कृपा आपके घर के ऊपर लहराएगी। तो छोटी छोटी चीजें हैं, आप स्वयं ऐड कर लीजिए और शिव कृपा के पात्र बनिए। अब इससे अगले वीडियो में हम बात करेंगे किस स्तोत्र का हम पाठ कर सकते हैं, जो मैं तो कुछ सजेशन ही आपको दूंगा, बाकी आपको जो अच्छा लगे वैसा आप कर सकते हैं। किसी प्रकार के शिव में और शिवा में कोई भी भेद नहीं है, वही पिता है और वही माता है। साथ ही अगले भाग में हम जानेंगे कि देवी को किस नवरात्र में किस प्रकार का भोग मेंशन है पुराणों में और शास्त्रों में, जो हमें देवी को अर्पित करना चाहिए। मान लीजिए पहले नवरात्र को किस चीज का भोग लगेगा, दूसरे को किसका लगेगा, तो ये सब चीजें हम अगले भाग में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। किसी प्रकार के कोई डाउट है तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट में पूछ सकते हैं, तो मैं उन प्रश्नों का उत्तर भी अगले वीडियो में आपको दे दूंगा, ताकि आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाए। अभी तक के लिए इतना ही। आपका दिन शुभ हो, महादेव कृपा करें। ओम नमः शिवाय।